मेरा जन्म शिलाली जिला सरगोधा है। मैं 6 रुपया किलो घी अपने हाथी खरीदे और खाता 6 रुपया किलो मीट ते वो खुराक खा के मैं तंदुरुस्त। मैं सब कुछ वेख्या गड्डी विच जो वापरिया लड़ाई झगड़ा होया सब वेख्या लाहौर दे विच। जनपत्नी तो मैं ही हाँ, मेरी एक लड़का मैं ब्याहता वो जाने उन्होंने काम जा। बेटे की उम्र होनी है 60 साल, 105 साल। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਔਰ ਮਾਲਕ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਮਾਲ ਹੈ ਜੇ ਬੜੀਆ ਮਾਲ ਹੈ 100 ਦਾ 4 ਮੀਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ। मैं अज लड़के को 50 रुपया लवा वो हफ्ते बाद कहेगा बाद पापा जी तुम हफ्ता तो हो गया 50 रुपया दिता जी वो कितने है। मेरे बाप नू गोलियां लगिया ने जलियाले बाग 7 और मैंने पूरा संभाला। थोड़ा 4 मीटर क्या माल है ये बढ़िया माल है तो वे भारत सरकार ने बिल्कुल जेकर कोई मनुख काम करना चाहे उम्र नहीं देखी जाती वो अपना मेहनत करके अपने घर का अपने परिवार का जिहड़ा रोज़गार चला सकता। असी अज खड़े हाँ लुधियाणा के फील्डगन चौक के जिथे कि एक बाबा जी बैठे ने जिन्हों की उम्र उन्होंने ही पुछांगे लेकिन असी पुछया 105 साल उम्र आ जिहड़े 76 साल तो इत्थे कपड़ा बेच रहे ने ते पाकिस्तान तो इत्थे आए सी पाकिस्तान की करते सारी कहानी उन्होंने जवानी सुनते हैं। बाबा जी की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम तजिंदरपाल सिंह खुराना। अच्छा जी तुसीं थोड़ा जन्म कितने होया कि कितने थोड़ा कारोबार की जा की कहना चाहते हो? मैं मेरा जन्म शिलाली जिला सरगोधा होया और मेरे बाप की आड़त की दुकान थी और वो ही काम करते थे। अभी तो गुल्ली डंडा ही खेलते थे उस वे दरख्तों का बड़ा खुशहाल वक्त थी और बड़ी आबो हवा अच्छी थी और कोई फिक्र बीमारी वाला काम नहीं थी और उसकी असी खुराक खाधी है। मैं 6 रुपया किलो घी अपने हाथी खरीदे और खाधा 6 रुपया किलो मीट ते वो खुराक खा के मैं तंदुरुस्त। 1947 मैं सब कुछ वेख्या गड्डी विच जो वापरिया लड़ाई झगड़ा होया सब वेख्या लाहौर दे विच। जन्मपत्नी तो मैं ही हाँ, मेरी एक लड़का मैं ब्याहता वो जाने उन्होंने काम जाने ना ही उन्होंने कोई वो भी मेरे तरह ही ने। किन्नी एज है की काम करता थोड़ा बेटा? मेरी है बेटा बेटे की किन्नी उम्र थोड़ी उम्र के? बेटे की उम्र होनी है 60 साल। थोड़ी उम्र कितनी है? 105 साल। अच्छा तुसी किन्ने 5 साल जा रहे हैं? देखो जी मैनू 76 साल हो गए ने इत्थे बैठिआं और मालक बड़े मेहरबान ने वो ना मेरे को कोई पैसा लैंदे ना किराया ना गल ना बात और जिन्नी हो सके मेरी मदद करदे। मैं गाड़ियां बेचना यही शुरू तो बेचना। क्या माल है ये बढ़िया माल है 100 दा 4 मीटर ना कोई बेचेगा ना बनाएगा ये वक्त आएगा। की कहना चाहते हो बच्चों से जिम्मे हम थोड़ा थोड़ी इन्नी उम्र हो गई है कि बच्चे
नहीं बच्चे अपना कमाते खाते ने तुम अपना कमाने खाने के बच्चे नहीं अजकल इस तरह का हाल है जमाने के तो अजकल ना लड़की ना लड़का कोई आख नहीं लगता वो अपने आप रिश्ते करा लेंगे वो बाप को मजबूर कर देंगे वो बाप को झुकन तो मजबूर कर देंगे कि भाई अभी शादी इतने ही करानी है और बाप को झुकना पैंदा और हमेशा औलाद के अगे माँ बाप झुकता और ये नवी गल नहीं है और मैं कहूँगा कि उन्हें वाल ख्याल देन उन्होंने कम कार से लान बच्चों जो बच्चे नहीं कम करते नहीं तो वो चोरियों से बस पै जाएंगे। 105 साल उम्र है थोड़ा तो इस टाइम ये है भी तुम तो घर आराम करने की उम्र है इतने काम करते ये तो मजबूरियां ने मैं तली नहीं हटना चाहता एवं मैं अज लड़के को 50 रुपया लवान वो हफ्ते बाद कहेगा बाद बापा जी तुम्हें हफ्ता तो हो गया 50 रुपया दिता जी वो कितने है मैं की लौड़ है हिसाब देने की मुंडे मैं अपना कमावगा अपना खावगा मियाँ बीबी अपना कमाने अपना खाने हो। हाँ बाद मीं बीबी काम कोई नहीं करती वो भी ढिले रहते हैं उन्होंने 90-85 साल हो गए रोटी खाने पाता फिर हाँ जी रोटी घर का खाना पाना रोटी खाने पाने खा ली जा ना होटल तो ले आई जा चार फुलके होटल तो लिया रात में जाके ले आई जा कितने बजे आने हो सवेरे तुम इतने 9 बजे और रात में 8:30 बजे जाना खाते तो पहले कभी नहीं साइकिल तो जाने हो साइकिल तो नहीं ऑटो से जाना 60 रुपये रोज का किराया ते बाबा जी लगता नहीं जेड़े लोग बेले ने बच्चे बेले फिर देने छ उन्होंने की कहना चाहते हो भी तुम 105 साल दे हो के काम करता होते हो वो कोई इतने भीख मंगता फिरता कोई किमें फिरता कोई चोरियां करता चोरियां करते ने और कुछ नहीं करते चोरी चोर माल चुराते ने और ता करके पुलिस लगी हुई है थोतों भी कई बार इतने रात में जाने चोरी हाँ जी हाँ जी मेरे भी मैनू ही बुरा वेख के फड़ लेंगे जेडे चार तो होंगे ले लेंगे बदमाश बड़े ने कोई इन्ना इंतजाम नहीं है तो लगता नहीं है जिमें 76 साल हो एक थों बैठे हो थोड़ा मालिक जितने बहर बैठे हो दुकानदार ने कदम नहीं कुछ किया ना मैं कभी नहीं किया और ना मैं लकी समझे उन्होंने ज्यादा जगह ली है उदों अपनी कार ने पुल के उपर खड़ा किया लेकिन मैनू नहीं क्या फड़ी चुक ले मैनू वो लक्की समझे नंबर दिता है कि लक्की ने उन्होंने मुड़ के पिछे बैंक नहीं वेख्या मिला दुकाना सर रब ने भरपूर करता भाई लगता नहीं कई सरकार देख लिया ने भी किस तरह की लौड़ है इतने सरकार की कई सरकार कई जमाना बदलता देख लिया सरकार सब वेख्या सरकार सब बेईमान है कोई चंगा अफसर नहीं है कोई ज्यादा अफसर चंगे आएंगे सरकार आपे चंगी बन जाएगी बिल्कुल तस्वीर असं फीडगंज तो दिखा रहे हैं थोड़ा जिते कि 76 साल के बाबा जी तिंदर खराना जी बैठे ने इन्हों का यही मकसद आ 105 साल उम्र होगी पाकिस्तान तो आए थी पाकिस्तान के अड़त का कारोबार सी इतने आके किसी के अगे हथ नहीं किए है कोई लेकिन अपनी मेहनत की घरों आते ने सवेरे 9 बजे मेरा मेरा बाप जी उसका मैं इलेक्शन लड़िया 1920 और जित प्राप्त की मेरा बाप काउंटर कार बेचन का और असी जीते थी मैंने पूरा संभाला मेरे बाप नू गोलियां लगियां ने जलियांवाले बाग 7 और मैंने पूरा संभाला जी कैसेट है उन्होंने रिलीज की है पिछले साल 14-15 तरीक पंजाब सरकार ने और वो आल्ट वर्ल्ड में रिलीज की है आल्ट वर्ल्ड वक्री और पंजाब इस वक्त दिल्ली तक हिंदुस्तान इस वक्री की है बस आप यही गल गल तो यही है गल इको ही है मतलब है कि बच्चों को शिक्षा देनी भाई शायद वो किसी सीधे रस्ते आ जाए चलो कभी बन जाता कभी ना बनया टाइम पास मत टाइम बढ़िया मेरे पास होंगे और कोई ना कोई बम मिल जाता बड़े आते सारे पिंडे आते मेरी बड़ी वाकफियत है।
देखिया मेहनत करते बजुर्ग नूं जिहड़ा 105 साल उम्र आ इन्हां दे फादर दी पाकिस्तान दे विच अड़त दी दुकान सी अज इत्थे इह कपड़ा वेच रहे ने कहा चाहे किसी बच्चे ने अजकल बच्चों से उन्ना भरोसा नहीं बच्चे जो 50 रुपए बाप को दे देते हैं फिर बार बार अजाब मंगते हैं पर यह बजुर्ग अपना कमाते हैं अपना खाते ने मियाँ बीबी रोज़ इन्हों का यही कहना है जो अज का समा है जो कलयुग का समा इस कई लोग वेले ने उन्होंने भी वड्डी नसीहत हैगी जो लोग भीख मंगते हैं या वेले ने या चोरियां करते हैं उन्होंने वड्डी नसीहत दी है मेहनत करो मेहनत करके खाओ दो वक्त ही सवेरे बाबा जी आते हैं 9 बजे तो रात को 7:30 बजे जाते हैं घर के आप पकाते हैं अपने मियाँ बीबी रेंदे ने चाहे बच्चे दूर ने लेकिन पर फिर भी हौसले बुलंद ने आवाज़ इन्नी कु गड़क वाली है कि हले भी आवाज़ मारते हैं दूरों गाहक सुन के इन्हों के कोल आता देख सकते हो बाबा जी लगातार मेहनत करके एक सुनेहा दे रहे हैं नौजवानों को लुधियाने तो कैमरा परसन रोहित के नाल तरसेम भारद्वाज।